नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, दोस्तों आपकी कुंडली में दो मायावती शक्तियां तांडव करेगी। जी हां तुला राशि वालों, अब आपका एक नया इतिहास बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में दो मायावती शक्तियां अब आपको राजा बना देगी, क्योंकि तुला राशि वालों पूरे 999 साल बाद आपकी कुंडली में यह योग बनने जा रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कारिक योग का निर्माण होने जा रही है, जिससे दोस्तों अब आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक चमत्कार होता आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह योग पूरे 999 साल बाद आपकी कुंडली में दोबारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस योग से दोस्तों रातों रात आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे तक आपको कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो कि तुला राशि वालों आप गलतियां पहले जीवन काल से करते आ रहे हैं, क्योंकि तुला राशि वालों दोस्तों ऐसा योग बार बार नहीं बनता है और सभी के कुंडली में नहीं बनता है। बड़े ही किस्मत वाले हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं तुला राशि वालों आप, जो कि इस योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, आपसे बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि हाथ में इस मौके को आए जाने मत दीजिएगा। आपको बताएंगे यह समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे वीडियो में आपको बताएंगे अगले 24 घंटे में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके व्यापार और नौकरी में कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और खासकर बेरोजगार लोगों के लिए कौन कौन से शुभ अवसर लेकर आने वाले हैं, इन सभी के ऊपर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और कुछ काम है जो कि खास तौर पर करने से वर्जित माना गया है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। ग्रह गोचर के आधार पर समस्त जानकारियां देंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के जितने भी भक्त हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों, ग्रहों की यह बदलती चाल बेरोजगार लोगों के लिए शुभ अवसर लेकर आ रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो दोस्तों अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों का यह अनुकूल प्रभाव आपको रोजगार दिलाने में मदद करेगा। बेरोजगारी की समस्या से अब आपको छुटकारा मिलेगा। सितारे कहते हैं भाग्य आपका 87% साथ दे रहा है। अगले 24 घंटे में कोई अच्छे काम या जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। आपको इस समय अपने कारोबार बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे जो कि निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत जो लोग कंट्रैक्शन के काम करते हैं उन्हें काम से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोने चांदी के जो व्यापारी हैं उन लोगों की चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग फायदे में रहेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग में निवेश करेंगे तो वह काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाएं, जिससे कि आपकी लाभ की सीमाएं बढ़े। और आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। आज आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता गारंटी के साथ मिलेगा।
इसलिए आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत सट्टा बाजार के लिए भी काफ़ी हद तक आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आप इनका सदुपयोग तो कर ही लें और इनका लाभ उठा ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के दौर से गुजर रहे थे, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अपने आप को पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आज आप यह भी समझ पाएंगे कि आप अपने काम और सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी है और इन सभी का सदुपयोग करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, आपको कोई भी बीमारी कोई भी चिंता आपको नहीं सताएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। सोच विचार टेंशन आपको ज़्यादा नहीं करना है, इससे आपके तनाव बढ़ सकती हैं और सेहत का भी इसका असर पड़ सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज आपको बोलने में सावधानी बरतना होगा। आप जिसे अपना करीबी समझती हैं, बहुत ज़्यादा करीबी मानती हैं, वो आपकी गुप्त बातों को उजागर कर सकता है। सितारे कहते हैं जितना आप शांत रहिएगा, सतर्क रहिएगा, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलने से पहले दोबारा सोच लें और अपनी बात का विषय अपने तक ही सामने तक ही सीमित रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तीसरे के बारे में बात करने से अभी आप बचें और एक दूसरे की बात आपको समय नहीं करना है। किसी दूसरे शहर की यात्रा और उसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावनाएं बन रही है, पुराने पलों को याद करेंगे और आपको जो है लाभ होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें कि आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और इस उलझन को दूर कर लेना ही चाहिए जो कि आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती रही है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, ये दिशा आपके लिए सही है या नहीं, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान आप ही को रखना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली कोई ऐसी भी नौकरी में आज आप सफल को जो भी छुएंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवहारिक स्थिति रखें और अपना जो है मोड़ना, मुख मोड़ना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आज आपको थोड़ा सा दुविधा में डालेगा। ग्रह गोचर कुछ ऐसा बन रहा है जो कि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर सकती है जो कि चुनाव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको सोच समझकर ही कदम उठाना होगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।